आवाज सुंदरी सेवा संस्था इस बार भी देव उठान एकादशी पर 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह करेगा। इस विवाह समारोह में सिर्फ जरूरतमंद कन्याओं का ही विवाह करवाया जाता है। माँ बाल सुंदरी परिणय सेवा संस्था हर साल की तरह इस बार भी 23 नवंबर देव उठान एकादशी के दिन 21 कन्याओं का सामूहिक विवाह चेती माला परिसर में करेगा। संस्था के अध्यक्ष व मुख्य आयोजक आनंद कुमार ने कहा कि बाल सुंदरी परिणय संस्था 8 वर्ष से लगातार जरूरतमंद परिवार की कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन कर रही है और अब तक 129 विवाह संपन्न करा चुकी है। 23 नवंबर 2023 को 21 कन्याओं का विवाह होने जा रहा है, जिसमें बाल स्वरूप हम लोग काफी उपहार उन्हें देते हैं और बड़ी धूमधाम के साथ में उन बरातों को चेती प्रांगण में पहुंचाते हैं और वहां पर उनके फेरे और विवाह का आयोजन होता है। फिर है रंग की तैयारी, कौन है किस पर भारी, हर तरफ बेरोजगारी, किसकी है ये जिम्मेदारी, हम दिखाएंगे सिर्फ सच हर रोज दखल न्यूज पर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।